एक अक्षर की शुरुआत से और हर शब्दों में छिपी छोटी सी भावनाओं में एक कलम कितना अहम किरदार निभाता है, यह हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। अनगिनत राजों को भेदता, यादों को सहेजता और बेनाम हस्तियों को उभारता, ये तिलक, ये स्याही, ये रास्ता, ये राही, ये मुकाम, ये अनंत। इस कलम ने इतने कोरे कागजों को अपनी कालिक से रंगीन किया है कि हजारों जिंदगी इसमें अपनी कहानियां छुपा बैठी हैं। कई सिर्फ बातों में लिखी हैं, तो कई स्याही की गहराइयों में डूबी हैं, कई राहों में खोई खोई सी और कई मकसद के करीब पहुंचती। ये कलम ही तो है जो हमारी जिंदगी के हर पड़ाव में सब्र से घिस रही होती है। रंग, जज्बात, एहसास, हर एक मुकाम को पहचान देती ये कलम। जनाब अनीस सिद्दीकी ने अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा ही बना लिया है। कागज को अपना अस्तित्व और कलम को अपना हमसफर बनाए ये अपनी अनोखी राह पर निकल पड़े हैं। अपने आप को अच्छा करने के लिए, अच्छा शो करने के लिए, अच्छा बताने के लिए, सामने वाले के लिए अपने अंदर आकर्षण लाते हैं, ब्यूटी लाते हैं, तो उसी तरह जब हम कलम बनाते हैं तो उस वक्त हमारे सामने वो सारे मेरे गए हुए टाइम और आने वाले टाइम, या उस कलम को स्पेशली जैसे हम बना रहे होते हैं तो कुछ उस वक्त कुछ करना भी होता है। ये कलम किस साइज के हैं बनाएंगे, मोटा बनाएंगे, पतला बनाएंगे, और इसका इससे फिर क्या ड्रॉ करेंगे, क्या लिखेंगे, किस पेज पे लिखेंगे, तो वो सब अंदर मशीन के तौर पे एक चीज़ हमारे अंदर चल रही होती है। तो उसी हिसाब से कलम को हम उस वक्त सजाते हैं, बनाते हैं, उसका साइज क्रिएट करते हैं, फिर वो हम मेरे पास क्योंकि बहुत सारी लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कलम के लिए यूज हो चुकी हैं, करते रहते हैं लोग, तो उसको हम इसलिए लेते हैं कि मतलब ये से ये यादगार रहता है कि ये कहाँ से लकड़ी लाए हैं, तो वो सारा एक पूरा एक लाइफ जो है उससे जुड़ जाता है कि ये कल लकड़ी हम फला जगह से लाए थे, केरला गए थे तो लाए थे, बिहार गए थे लाए थे, पंजाब गए थे तो लाए थे, राजस्थान गए थे लाए थे, तो वो यादें रहती हैं। और कलम को हम उसी तरह सजाते संवारते हैं जैसे कोई अपनी लाइफ को सजाता संवारता है। एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर से लेकर एक खूबसूरत लिखावट तक, एक कागज से लेकर एक किताब की सजावट तक, कलम हाथ मिलाए खुद को हमें कुछ इस तरह सौंप जाता है कि आंखें मूंद कर हमारे इशारों पर इधर से उधर घिसता जाता है। सच हो या झूठ, गाली हो या गीत, बस लिखता जाता है और अपना फर्ज निभाने का पाठ सिखा जाता है।